अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं बहुत मज़े की मसाले वाली रेसिपी बताऊंगी, भुना हुआ बकरे का गोश्त। गोश्त इसके लिए हमें चाहिए और सारे मसाला जात चाहिए। तो गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से गर्म पानी के साथ धो लिया है और इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी। इसमें लहसुन, अदरक पेस्ट, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, लहसुन, प्याज, टमाटर डाल के मैं प्रेशर में इसको प्रेशर दे दूंगी 15 मिनट के लिए। और जब ये गल जाएगा तो फिर ऑयल भी डाल के इसको भून लेंगे। गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। मैं जब भी गोश्त बनाती हूँ तो गर्म पानी से अच्छे से वॉश करती हूँ। लहसुन, अदरक, प्याज को मैंने डाल दिया है इसमें प्रेशर में और गोश्त को, और थोड़े आधे मसाले रख लिए हैं, आधे मैं अभी बॉईल करते हुए ऐड करूँगी और फिर इसको प्रेशर दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। गोश्त गल गया है, प्रेशर को मैंने ऑन किया, ओपन करके चेक किया तो गोश्त बहुत अच्छा सा बन गया था, गल चुका था। और अब मैंने इस तरफ घी को गर्म किया और उसमें मैं गोश्त डाल दूंगी और साथ सारे मसाले डालूंगी, जीरा, काली मिर्च, नमक, हल्दी, दही। ये सारे मसाले डालूंगी, साथ में मैंने सैलड ज़रूर काटा है। ये फ्रेश सीजन भी है और खाना भी चाहिए, और भुने हुए गोश्त के साथ तो सैलड बहुत अच्छा लगता है। एक लेमन का जूस मैं गोश्त में भी डालूंगी और साथ में हरा धनिया और सादा रोटी नान पराठे के साथ आप ये गोश्त व्यक्ति बिना गोश्त खाने बहुत अच्छा लगता है। गोश्त को मैं घी में रोस्ट करूँगी थोड़ा, साथ में इसकी यखनी डाल के मसाले डालूँगी और इसको अच्छे से भूनूँगी। बहुत ही आसान, जल्दी से बन जाने वाली ये रेसिपी है। भुना हुआ मटन बकरे का गोश्त। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हमारी रेसिपी को लाइक करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है। गोश्त अच्छे से घी में मैंने भून लिया और फिर थोड़े मसाले ऐड किए जो आधे मैंने बचाए थे, जीरा, काली मिर्च, कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च, दही डालूंगी फिर
और साथ में मटन की जो यखनी बची है उसको डाल के अच्छे से भूनूंगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दही को मैंने ऐड किया अब बकरे का भुना हुआ गोश्त किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। भुना हुआ बकरे का गोश्त हरा धनिया हरी मिर्च गार्निश के लिए भुनावा गोश्त पक गया है और मैंने डिश में डाल दिया। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।